आकाश को देखते हैं तो ना हमसे बिजली मांगते हैं ना ही वर्षा की बूंदें। वो बस उनको देखना चाहते हैं जो कहलाते हैं सुपर हीरो। हमारा भय फिर से होगा उन्हें जब थॉर ओडिनसन आसमान से नीचे गिरेगा। मेरी बात समझे ना हरक्यूलिस? समझ गया पिताजी। 7 साल पहले इसके बारे में पता चला। जब हम वहां पहुंचे उसने चुटकियों में हमारी यूनिट तबाह कर दी। उसके अंदर गजब के सुपर पावर्स थे। हमें उसे अभी यहीं रोकना है। क्या थॉर 5 की फिल्म हमें देखने को मिलेगी या नहीं? मार्वल की फिल्म को पसंद करने वाले लोगों का ये सवाल लंबे समय से रहा है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में हमें इस सवाल का जवाब मिल जाए। मेकर्स की तरफ से अभी तक थॉर 5 फिल्म को लेकर कोई भी अपडेट नहीं मिली है। मार्वल की तरफ से कोई अपडेट नहीं है तो हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि थॉर 5 बनेगी ही नहीं, क्योंकि थॉर 3 की रिलीज होने के बाद सब लोग सोच रहे थे कि हमें इसका 4th पार्ट देखने को नहीं मिलेगा। पर मार्वल ने इसका 4th पार्ट थॉर 11 थंडर के नाम से रिलीज़ कर दिया था। थॉर 11 थंडर के रिलीज़ होने से पहले लोगों ने सोचा था कि फिल्म के 4th पार्ट में थॉर मर जाएगा और थॉर यूनिवर्स यहीं पर समाप्त हो जाएगा। पर किसी ने नहीं सोचा था कि थॉर 11 थंडर फिल्म में भी जिंदा बचेगा और उसके नेक्स्ट पार्ट में भी हम लोगों को देखने को मिलेगा। थॉर 5 को बनने के कई रीजंस हैं। सबसे पहले जिस तरह थॉर 11 थंडर फिल्म की एंडिंग हुई थी उसको देखकर लग रहा है कि फिल्म का पार्ट 5 ज़रूर बनेगा और हो सकता है कि थॉर 5 में थॉर मर जाए। और अगर ऐसा होता है तो थॉर 5 फिल्म थॉर यूनिवर्स की आखिरी फिल्म होगी। थॉर 11 थंडर को लोगों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था, इसलिए हो सकता है मार्वल इसके पार्ट 5 को बनाने में इतनी देरी कर रहा है। फिल्म में क्रिस हेम्सवर्थ ने थॉर का किरदार निभाया था। थॉर 4 में लोगों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स ना मिलने के बाद क्रिस हेम्सवर्थ ने कहा, मैं तभी इसकी पार्ट 5 में काम करूँगा जब फिल्म की स्टोरी एकदम नई होगी और एकदम अनोखी होगी। क्रिस हेम्सवर्थ के इस स्टेटमेंट के बाद फिल्म के पार्ट 5 को लेकर लोगों में कुछ आशा जागी थी। थॉर 5 की रिलीज होने से पहले थॉर की एक झलक हमें मार्वल के एक और यूनिवर्स गैंग डायनेस्टी फिल्म में देखने को मिल जाएगी। पर यह खबर भी पक्की नहीं है। और सुनने को मिल रहा है कि गैंग डायनेस्टी फिल्म में हमें थॉर देखने को मिल सकता है और थॉर के साथ साथ मार्वल के और कई सुपर हीरो भी देखने को मिल जाएंगे। अब देखना तो ये होगा कि थॉर फिल्म के पार्ट 5 को कौन डायरेक्ट करता है। थॉर 11 थंडर फिल्म को तो टाइक बेटी ने डायरेक्ट किया था और अब देखना ये होगा कि थॉर का पार्ट 5 बनता है तो उसको टाइक बेटी ही डायरेक्ट करते हैं या नहीं। अगर थॉर फिल्म का पार्ट 5 बनता है तो हमें ये जल्द देखने को नहीं मिलने वाला, क्योंकि अभी तक तो इस फिल्म को लेकर मेकर्स की तरफ से कोई अपडेट नहीं है। अभी तक तो फिल्म की स्क्रिप्ट राइटिंग भी शुरू नहीं हुई है। पहली फिल्म की स्क्रिप्ट राइटिंग शुरू होगी जिसमें काफ़ी समय लगेगा ऑफ कोर्स। उसके बाद हो सकता है फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी जाए और हमें लगता है कि ये फिल्म हमें 2025 या 2026 से पहले देखने को नहीं मिलेगी। हमें इस फिल्म का अभी और इंतजार करना पड़ेगा। और अगर इसका पार्ट 5 बनता है और जैसा कि क्रिस हेम्सवर्थ ने कहा कि फिल्म की स्टोरी एक अनोखी स्टोरी होती है तो फिल्म को हिट होने से कोई नहीं रोक सकता, पर वो तो आने वाला समय ही बताएगा फिल्म बनेगी या नहीं। तब तक हमें और इंतजार करना ही पड़ेगा। बाकी दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।